इसके बाद में इसको अच्छी तरह से मेजरमेंट ले लो, इस तरह से पकड़ो और इधर में इसको टाई कर लो। सबसे उधर से मत लगाओ, उधर से नहीं, सबसे पहले इधर से टाई कर लेने का इसको, इस मशीन में। इसको बोले टाइमिंग, क्या बोलते हैं इसको, टाइमिंग बेल्ट, और कुछ नाम नहीं इसका। इसमें इसमें इसको उठा के इस तरफ में अटका दो, फिर कवर लेना है और कवर को सिर्फ लॉक कर देना है, ओनली बेल्ट निकाल लो ऊपर से, सारे गियर लग गए। उसके बाद में अपना स्क्रू लो और लगा दो, ओके। उसके बाद में एक दो ड्रॉप ऑयल डाल दो। टाइमिंग बेल्ट नहीं टाका ना, नहीं तो ऊपर डालो उसके, नहीं डालने का लेकिन कभी इधर जाता है पोछ लेने का होता है कभी कभी, तो उसमें क्या है, अभी जान खाएगा बच्चे की तुम्हें वो होता है। देख मैं तो प्रिकॉशन बता रहा हूँ, होता है ना प्रैक्टिकल लाइफ में। तो हो गया। इसके बाद में इसको इस कैरेज में इस कवर के नीचे लगाना होता है, कवर नहीं होगा तो भी चलेगा लेकिन लगाना जरूर। तो समझे हेड ला लगता है ना, ऐसे के हेड को लग जाता है ये, हेड वर्स स्टेबल रेल ना, नहीं होता तो सीधा ऊपर से ढकल दो तो भी चलेगा, कोई इशू नहीं है। अपने सेलो टेप लगा लेते चलते हैं, नहीं देखो ऐसे लॉक होना चाहिए। हो गया। उसके बाद क्या करने का, इसको दो दो डॉग ऑयल डालने, हेलो लेक्चर मध्ये मी नंतर फोन करतो। हेलो इमर्जन्सी होगा। देखो उसके बाद में टिश्यू पेपर से पोंछ दो। देखो ये क्यों हो रहा है, ऐसा आवाज क्यों आ रहा है, नहीं बुश डंडो बुशिंग का नहीं, बेल्ट का आवाज है, स्लिप होता है क्या बेल्ट, गियर बराबर ना सिला हुआ ना, रे गियर तक उठा है संबंध टाइट लूज हो रहा है। कचरा है उसमें, अरे इसके अंदर कचरा है साले। क्या हो गया, वाह 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 वाह, बहुत अच्छी 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 तरह से मिशन चालू है। हम अभी सोने वाले हैं, हम अभी सो रहे हैं और हम सो गए। बेचारा 5 बजे पासून आयून बसला होता, थोडा हो रे यार, कितना मेरे को निकलने को होता नहीं, जॉब पे है ना दूसरी जगह पे भी यार, तो उम्र करते बच्चे तो ये जल्दी बहुत भागा पता है क्या, बहुत जल्दी भागा मैं। ऑइल टाकलं तर सर
नहीं मशीन में, मशीन में कभी कुछ नहीं करना। तो फिर इसको ऐसा पकड़ गया, तो इधर ऐसा नाच रहा है देखते। नहीं ये तो कुछ प्रॉब्लम नहीं, कोई फॉल्ट नहीं, फॉल्ट तो इधर ही था। तो मतलब नहीं चलेगा, उससे कुछ हेल नहीं है, उससे कुछ हेल लेना देना नहीं हम लोगों को, हम लोग लेना देना सिर्फ इधर से है। देखो ये लगाना है, लॉक करना है अपने को भी, सबसे बड़ा काम। हाँ ये देखो ऐसा लग गया। हाँ लग गया। इसके बाद मैं स्प्रिंग को लोड को लोड करा दूँ इसे। ओके अरे परफेक्ट फिट हो गया। उसके बाद में उसके बाद में इसको उठा के इस प्रकार से हो गई नींद पूरी। बेल्ट पट्टी तो नहीं मारा है, बेल्ट पट्टी नहीं मरेगा, निकला तो नहीं बेल्ट, बेल्ट नहीं निकला, बेल्ट नहीं निकला है। त्याचे कट्स घासले गेले तर हो जाएगी। बेल्ट ही बज रहा है क्या सर? नहीं उसको कुछ नहीं हो रहा है, बेल्ट बेल्ट चमक रहा है, गड़बड़ है बेल्ट तो, फॉल्टी नहीं लग रहा, टाइमिंग बेल्ट तो फॉल्टी नहीं लग रहा मुझे। अच्छा रोलर में कुछ प्रॉब्लम है? नहीं रोलर में नहीं है कुछ। देखो ना खाली घासला जाता है ना, वो खाली घासने का इसमें है। तबियत से लगी बेल्ट है और क्या इसमें एरर हो सकता है? हे थोड़ा रफ आहे म्हणून वाटत होते, ऑइल टाका सर। लागून ऑइल लागले देखील बेल्टचा आवाज येते हे जेव्हा फिरतो ना परत, एक काहीतरी ह्याच्यामध्ये प्रॉब्लेम झालाच आहे, कारण हे बघा फिरतो तेव्हा एक रोटेशन फिरतो तेव्हा आवाज येतो। तो बेल्ट मोटर चेंज करते ना भाई, मोटर चेंज करते इसकी, इसकी लेंथ और इसकी लेंथ एक ही होगी मेरे ख्याल से, मोटर चेंज कर देंगे, बेस्ट आइडिया। स्प्रिंग लोड डीलोड करो, अब दिस गियर रखा मोटर। पहले बेल्ट तो काट, बेल्ट तो निकालो, काट नीचे का खड़ा था आराम से निकाल बेल्ट, इट्स नॉट गिविंग एनी काइंड ऑफ ट्रबल टू यू।
मोटो सेम ही देख लो उसको, देखा भी एक ही होगा मोटो सेम अच्छे दो पैटर्न ही चेंज करके लेना पड़ेगा। ये अपन साफ करूंगा लेंथ 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 वाइज कौन ना मोटो लेंथ वाइज चेक कर लो क्या दोनों मोटर का लेंथ जैसा होना चाहिए ऑलमोस्ट सेम ही है। ये लगा देते हैं आटे का असलियत है, आटे नहीं घिसा है, आटे के अंदर कचरा है। इसमें घुसाना पहले, सबसे पहले इस होल में घुसाना है। लग गया, हो गया, स्प्रिंग लोड कर दो। ये मोटर ला नट वगैरह है ना इसका, मोटर का हैंग है ना, इट्स इट इज हैविंग अ टेंशन, टेंशन से रुक जाती है वो। बस 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 अभी इसमें ये डालने का, वेल्ड डालने का और चेक करेंगे कि आवाज़ कम हुआ या नहीं हुआ। कोई गारंटी तो है नहीं मेरे पास में, नहीं निकलता भी नहीं है, भूल जाओ, साफ करना पड़ेगा। या अल्ट आगा नहीं साफ करा ना पहले? नहीं नहीं वो ऊपर की तरफ में समझ गए थे, तुम्हें साफ कर। हाँ ये इसका फॉल्ट है, ये आटे इसके घिस गए लग रहा है मेरे को, और पूरी उसके लग चला कचरा भी उसमें जमा हो सकता है। कचरा जमा था तो सोने सोया तो अंदर भी साफ किए थे उसमें, हो गया साफ करके भाई। क्लीन काम हो गया, क्लीन काम हो गया भाई, क्लीन हो गया वापस उसमें भर गया कचरा, तू सोया ना इसीलिए। हाँ कहीं तो कचरा है ना, बोल इधर नहीं करना सब, अभी ऐसा साफ करना बैठेगा, बैठना पड़ेगा मेरे को। ये कचरा कौन तेरे जून डाल साफ करना, ठीक समझ में आया ना फॉल्ट क्या था वो? हाँ वो इम्पोर्टेंट है, फॉल्ट क्या समझ में आना चाहिए। इसमें ये इसमें स्मूथ चल रही है, एकदम कड़क चल रही है मशीन, वो चलेगा, उतना कुछ इशू नहीं है। अब इसके बाद में सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ क्या रह गई है, टेंशनर, रॉड टेंशनर। सर ऑयल पड़े, ऑयल पड़े, रॉड टेंशनर कहाँ लगाएंगे? यहाँ पे देखो, सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि आप भूल जाते हो तो आप फेसिंग अ लॉट ऑफ प्रॉब्लम ऑफ अलाइनमेंट। थोड़ा सा इसको सब तो बाद में, सो थोड़ा बेंड कर लेने का, रॉड के सेंटर में आ जाए, ऐसा कर देने का। रॉड सेंटर में आया वो इम्पोर्टेंट है, ओके इसके बाद में जब भी आप मशीन सेट करेंगे तो ये कभी भी जीरो नहीं, जीरो पे होना चाहिए, माइनस वन भी नहीं होना चाहिए, ना ही माइनस प्लस वन होना चाहिए, जीरो होना चाहिए। देखो एकदम आगे जाएंगे तो माइनस वन, एक खटका पीछे आएंगे तो जीरो, करके देख लो आप ट्राई एक बार, एकदम पीछे जाओ, एकदम आगे जाओ और एक खटका पीछे आओ हल्का सा, ये जीरो है, माइनस वन आगे, देखो इधर लिखा हुआ है। हाँ तो दिले दिले दी तो काय नंबरिंग थोड़ी दी है, इधर जीरो दिले भाई, नंबरिंग इधर दी है, इधर भी है उधर भी होगा, रिक्शा का गियर नहीं इकड़ा है बक, और डॉट मारा हुआ है उन्होंने, उधर चेक करो उस पे आपके, अगर माइनस अंदर हो गया तो माइनस वन सेट करेंगे मशीन, तो जब आप इसको आगे ले गए हेड आगे चला जाएगा, पिन उड़ा देगा, पिन उड़ जाएगा हेड, कभी सेट करना है तो पीछे में देखो, जीरो वन टू थ्री फोर बन गया मशीन अपना ऑलमोस्ट रेडी। अभी इसको सिर्फ पीसीबी लगाना है अपने को, पहला ग्रीस लगाने की गरज नहीं, लगाने के ना उसको, उसको भी लगाते हैं, अभी है नहीं ग्रीस अपने पास इसके लिए, तो रह गया नहीं तो फिर क्या करना है, सबसे बेस्ट या कुछ काम करनी है, सबसे बेस्ट किधर डालने है, देखो ग्रीस यहाँ डालो, एक मोशन वाला पार्ट है, अपन साइकिल ना कैसा ऑयलिंग करता था, साइकिल में जैसा ऑयलिंग करते हैं वैसा ऑयलिंग करो थोड़ा हल्का हल्का, साइकिल चेन एंड व्हील
थ्रेड में तो नहीं डालेगा, थ्रेड में ग्रीस डालने का होता है वाइसलिन सबसे बढ़िया। ये वाला, ये वाला ग्रीस ऑयल मत यूज करो, ये ऑयल हेचत यूज होता ना सिंगल मशीन, सिंगल मशीन स्विंग मशीन होता ना उसका ऑयल है ये 20 रुपए का बहुत बड़ा बॉटल आता है वो लेने का, अपने सारे प्रिंटर्स में चल जाता है वो। ओके अभी इसे क्या करेंगे, हम लोग फिट करेंगे गई हुई मशीन को, रिपेयर कर रहे हैं हम बीच सर क्या करेंगे बेटा सेंसर हाँ हो रहे गए पता मेरे। अच्छा चलो अच्छी बात है मिल गया, बहुत बढ़िया। इसका कहाँ पे है खटा पीछे से, देखो उसका उल्टा है इसका उल्टा है, ये लेंथ ज्यादा है इसकी चलता ही नहीं था कैरेज। चलो पलटी करना देख क्या करूँ, उल्टा करते हैं इतना करो लगा लूँगा इसको, पहला स्विच लाऊं जाते बेल्ट लग गया ना अभी तो फ्लिक गया वो। देखो चल रहा ऑपरेट हो रहा है, देखो पहला देखो ऑपरेट हो रहा है कि नहीं, दिख रहा टच हो रहा है उधर नीचे छोड़ने पे आगे आ रहा है, टच होता है देखो ये टच हो रहा है, ये जो पोर्शन टच हो रहा है इसका देख काम कर रहा है। कभी कभी इसको आपको उठा के आगे भी लेके आना पड़ेगा क्योंकि प्रिंटर में आगे रहेगा। फॉर एग्जाम्पल यही सेम बॉडी आता है, किसको आता है मॉडल नंबर FX सीरीज को, LX ये LX है, LX है, LQ आता है, तो LX का भी LQ का IC रहता है। LX है, LQ और FX, FX तीन टाइप मैंने बताया था आपको, बराबर है। इसके बाद में जो हेड है सर, एप्सन चार्ज कौन काट रहा है डॉट मैट्रिक्स, एप्सन ही, एप्सन के पहले TVS भी था ना इंडिया में। ब्रश ले दो, हम चेक इसको क्या करेंगे पहला IP सॉल्यूशन में डुबा के रखेंगे, अपना ये बेंजोइन है ना, बेंजोइन में थोड़ा सा डुबा के रखेंगे, बहुत कम हो जाएगा। सर दिखा कर मैडम धुल ये आ रहा नहीं, इसका नहीं खोलेंगे अपने पास है दूसरा खोलेंगे अपन, ये पहले चेक करेंगे अपन फ्री हुआ या नहीं हुआ है, क्या चेक करेंगे अभी वो लेके आओ DC पावर सप्लाई बाहर रखा ना मशीन में, लेके आओ लेके आए बाहर लेके आओ उसके लिए लेके आए काटू बता सर है नहीं ना बाद में लेंगे अपने पास। हाँ ये वाला टिप्पी लिंक क्यों लाया, टिप लिंक क्यों लाया, और इधर ये मशीन है इसके अंदर में एम्पेयर नहीं सेट करने हम लोग को, सिर्फ हम लोग को क्या सेट करना है करंट, करंट सेट करना है इसमें। दो प्रोब ले लो, दो प्रोब्स प्रोब ले लो कबर्ड में, चार्जिंग वर चालते का सर, नाही पावर देणे आहे डीसी।
ओ इसका पावर केबल निकालना है इसका। हर एक पिन हम चेक करेंगे चल रही है नहीं चल रही है। सारा पिन हमने चेक किया था कल तो क्या था ओके था, कॉइल ओके था, सर्किट ओके था। इसके हम क्या चेक करेंगे हेड काम कर रहा है नहीं कर रहा है। अभी हम चेक करते हैं देखो एकदम क्लियर कट हेड एकदम ओके दिख रहा है ये मेरे को, हेड एकदम ओके लाइन सारा ओके दिख रही है। इसके लिए हेड ओके है, सिर्फ हमको इसकी पिंस जाम हुई रहेगी क्या नहीं हुई है वो चेक करना है। अभी देखो कितना वोल्ट से सेट किया है 290 बराबर है। इसको हमको कितना करने का है ये कितना कितना पिन का हेड है ये नो पिन के लिए कितना लिखा है हमने कितना 5 से 6 वोल्ट। ये क्या करने का इसको उठा के एक नेगेटिव ग्राउंड में नहीं है इसमें ग्राउंड नहीं मिलने का इसमें ये होता है सर्किट ऑन 6 एम्प बहुत ज्यादा हो जाएंगे एम्पियर्स ठीक है। वोल्टेज बढ़ाते थोड़ा साइडली वो ऐसे ही है मशीन ही वैसे है। कितनी बार अंदर सर है जब वोल्टेज वो हेड मारने की कोशिश कर रहे हैं पिन नहीं निकल रही बाहर तो हेड खोलना ही पड़ेगा। बीप वगैरह मत सुनो नहीं बीप नहीं ये तो ये मशीन है भी इसको खोलना ये तेरे पास है क्या ये मशीन ये मेरे खरीद क्या ये तेरे पास है नहीं दूसरा ये तो बहुत डिजिटल है बहुत ज्यादा डिजिटल है इसमें ना लैपटॉप है हां आते की डायरेक्शन है का मोटर वाले काट लेते हैं आते का हां 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 टेंशन बड़ा और है हां ये 9000 की है अपने पास स्टॉक में पड़े लेके आओ स्टॉक बड़ा 2000 में लेके आओ उठा के फिर बोल के मैं लेके आया उठा के डायमंड कंपनी से एडिशन हां कितना बताया ये है 200 करोड़ का कितना हो गया 200 करोड़ मतलब इंडिया के बाहर से इंडिया का थोड़ी है ये ऊपर में जो बड़ा मशीन है ना वो है $600 मैं ही लाया उठा के मशीन सारा कितना कितना लाया 14 मशीन लाया था ऊपर 2 बचा है बस ये 2 मशीन मैंने ढप के रखा है मेरे घर पे मेरे को चाहिए रहता करके फिर जो जो स्टूडेंट आए सब लोग ने उठा के ले गए ये इसके पास है ना वाल्डेरे के पास में ऐसे में थोड़ा अलग से मॉडल है वो 4500 में बेचता है लेकिन इतना सक्सेस नहीं लगा मेरे को ये सीधा एम्पियर विम्पियर सब गिन के बता देता है कितना एम्पियर चल रहा है कितना ड्रेन